कैनेजारो रिएक्शन आज शुरू करने जा रहे हैं। कैनेजारो रिएक्शन एल्डिहाइड का टेस्ट है, उसमें भी वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का टेस्ट है, फिर भी वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड का टेस्ट है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए एच सी ओ एच, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डिहाइड का ये कैनेजारो रिएक्शन देगा। दूसरा देखिए पी एच सी ओ एच, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो ये कैनेजारो का टेस्ट देगा। यहाँ लिखिए अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट। तीसरा देखिए सी एच थ्री सी ओ एच, यह एल्डिहाइड है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए यह टेस्ट नहीं देगा। चौथा देखिए पी एच फिनोल, यहाँ पे सी ओ, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी यह टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन जो होता है ना हमारा एल्डिहाइड का टेस्ट होता है तो यह भी टेस्ट नहीं देगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, इसमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो कैनेजारो रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कैन नॉट शो कैनेजारो। तो देखना है कि एक एल्डिहाइड होना चाहिए, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा कंपाउंड इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड चेक करने के बाद चेक करेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होगा ना वही आपको कैनेजारो रिएक्शन का टेस्ट देगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा देखिए, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में क्या, आइडेंटिफिकेशन बेस होना चाहिए ना, वो कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस। जैसे कि आपको लिख करके देगा 50% NaOH या 50% KOH, या ऐसे लिखेगा कि कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH। ये अगर एक एरो पर लिख करके दे तो समझना है क्या कैनेजारो रिएक्शन दे रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, कि एक तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, दूसरा बेस होना चाहिए ना, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कंसंट्रेटेड लिखने का तर्क 50% भी लिख सकता है या कंसंट्रेटेड भी लिख सकता है, कभी भूल जाएंगे कंसंट्रेटेड, जैसे आपको बताया था अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन उसमें जो बेस लिए थे डाइल्यूट था, लेकिन यहाँ पे जो बेस है कंसंट्रेटेड है तो भूल जाए, तो सी फॉर कंसंट्रेटेड सी और सी फॉर कैनेजारो, तो सी फॉर कैनेजारो सी फॉर कंसंट्रेटेड। तो ध्यान रखना है कंसंट्रेटेड बेस किस में लेते हैं तो कैनेजारो में, डाइल्यूट बेस किस में ले रहे थे तो अल्डोल में। अब देखिए रिएक्शन कैसे कराते हैं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन कोई भी एल्डिहाइड जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो, जैसे देखिए एच सी ओ एच, इसका हम बेस के साथ कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, बेस मतलब ओएच माइनस, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ये क्रैश कोर्स है इसमें सीधे डायरेक्ट ट्रिक ही बताते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, ये कंपाउंड है, इसका एक बार करा देंगे ऑक्सीडेशन। तो देखिए आपको पता है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता है तो एसिड बनता है, तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए एच सी ओ एच, और इसी एल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल बनाइए, तो एच सी ओच और यहाँ पे एच और एच, मतलब एच सी एच टू ओच, एक दो तीन चार, हाँ तो ये बन गया आपका अल्कोहल और ये बन गया आपका सॉरी एसिड बनाना था ना एसिड, तो इसी कंपाउंड का करा दिया एक बार क्या ऑक्सीडेशन, और इसी कंपाउंड का करा दिया क्या रिडक्शन, तो आपका ये कैनेजारो रिएक्शन हुआ। तो कैनेजारो हमने सीखा, कैनेजारो तीन तरह का रिएक्शन होता है, कैनेजारो रिएक्शन सबसे पहला होता है कि सिंपल कैनेजारो, उसका उसके बाद क्रॉस कैनेजारो, उसके बाद इंट्रा मोलिकुलर कैनेजारो। सिंपल कैनेजारो में देखेंगे कि एक ही तरह का एल्डिहाइड होना चाहिए, वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए और एक ही तरह का होना चाहिए। क्रॉस कैनेजारो में क्या होता है,
एल्डिहाइड तो होना चाहिए, लेकिन दो अलग अलग तरीके का एल्डिहाइड होना चाहिए और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर में क्या है कि एक ही मोलिक्यूल में दो दोनों होगा, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए और एल्डिहाइड। तो देखिए ये क्या आपका ग्लाइऑक्सोल है, ग्लाइऑक्सोल के पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है और प्लस या एल्डिहाइड है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, सिंपल करने जा रहे हो तो आपको पहले वाले स्लाइड में आपको बता चुके हैं कि क्या करना है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देना है और एक ही कंपाउंड का रिडक्शन करा देना है। तो इसमें देखिए इसमें क्या कराएंगे आप, क्या बनेगा बी एच यहाँ पे सी डबल ओ एच, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसी का क्या करा देंगे आप रिडक्शन, तो पी एच सी एच टू ओ एच मतलब बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए क्रॉस करने जा रहा हूं मैं, क्या इसमें थोड़ा सा समझने का, इसमें दो एल्डिहाइड है लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन सा ऑक्सीडेशन करना है कौन सा रिडक्शन करना है। तो सिंपल है, जिसमें प्लस एम लग रहा हो, जिस मोलिक्यूल में प्लस एम लग रहा हो, जैसे यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे इसका प्लस एम लगाते हैं, या इसे भी समझ सकते हैं। अगर प्लस एम अगर भूल रहे हैं तो देखें कौन सा बल्की है, जिसमें जो बल्की ग्रुप होगा उसमें उसका रिएक्टिविटी कम होगा, तो इसमें प्लस एम लग रहा है ना, तो इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है, और इसे प्लस एम नहीं लग रहा है नॉर्मल है, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा ना उसका कराना ऑक्सीडेशन, तो इसे कराइए आप ऑक्सीडेशन। तो याद रखना है, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा उसका कराना है ऑक्सीडेशन, जिसका रिएक्टिविटी कम उससे कराना है रिडक्शन। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब ये एल्डिहाइड का, तो इसका कराना है फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसमें कराएंगे आपका बनाएंगे फॉर्मिक एसिड एस सी डब्लू एच, और इसका कराएंगे आप रिएक्टिविटी कम है तो इसका करा देंगे आप रिडक्शन। तो ये क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट पी एच सी एच टू बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान रखना है कि जो जिसमें प्लस एम ग्रुप लग रहा है, तो याद रखना रिएक्टिविटी यहां पे लिख देते हैं, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, जिसका प्लस एम जिसमें ज्यादा लग रहा होगा उसमें रिएक्टिविटी कम। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, यह है सी एच ओ यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं है, और इसके साथ एक और रिएक्शन करा दिए सी एच ओ, और यहां पे है आप ले लीजिए ओ सी एच थ्री। तो देखिए इस दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम नहीं लग रहा है, तो ये आपका मोर रिएक्टिव है और ये इसमें प्लस एम लग रहा है लेस रिएक्टिव है। तो इसका आप क्या करा देंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सी एच टू ओ एच बनेगा, और ये मोर रिएक्टिव है तो इसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा सी डबल ओ एच बनेगा। तो दो रिएक्शन समझ सकते हैं कि प्लस एम ग्रुप जिसमें होगा उसका क्या कराना है रिडक्शन, मतलब क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, जिसमें प्लस एम ग्रुप नहीं है उसका क्या कराना ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो क्रॉस करने जा रहा हूं मैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होगा, तो जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका लेस रिएक्टिव है उसका क्या करा देंगे रिडक्शन। पहचानने का तरीका रिएक्टिविटी का प्लस एम से करना है। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर करने जा रहा हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में करने जा रहा हूं रिएक्शन करना है। तो देखिए एक मोलिक्यूल में दो एल्डिहाइड होगा, तो एक एल्डिहाइड का करा देंगे आप एसिड ये ऑक्सीडेशन, और एक एल्डिहाइड करा देंगे आप रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन अगर एसिड का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं रिडक्शन कराते हैं तो सी एच टू एच बनेगा, और एक का सी डबल ओच बनेगा। तो सेम कंपाउंड का करा दिया है रिडक्शन, और सेमी कंपाउंड करा दिया है ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर कनिजारो। तो ध्यान रखना है कनिजारो रिएक्शन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, और एक एल्डिहाइड का टेस्ट है, क्या किसका टेस्ट है एल्डिहाइड का टेस्ट है। और उसके बाद इसमें ध्यान रखना कि अगर कभी भी अगर परसेंटेज में लिख के दे कि 50% कंसंट्रेटेड बेस, 10% 40% कंसंट्रेटेड बेस, 30% कंसंट्रेटेड बेस, तो समझना है कि कनिजारो की बात कर रहा है, सी फॉर कनिजारो, सी फॉर कंसंट्रेटेड। उसके बाद याद रखना है रिडॉक्स या रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स का मतलब क्या है एसिड बेस दोनों हो रहा है, और जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है इसमें रिडॉक्स है, और यह आपका कौन सा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।